स्वागत है आपका आज के वीडियो में। और इस वक्त मैं हूँ माणा में। बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर ऊपर की तरफ जाते तब माणा जगह आती है। एक माणा एक विलेज है और ये विलेज इंडिया का लास्ट विलेज है। इसके बाद में आगे बॉर्डर है चाइना इंडिया का। तो यहाँ से चलते हैं माणा विलेज के लिए। और माणा विलेज में 3-4 काफ़ी अच्छी जगह है देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये आगे यहाँ से माणा विलेज है और ये यहाँ का पार्किंग है। तो ये है देखो बोर्ड माणा गांव का। ये नीचे का नज़ारा देखो आप। भारत का आखिरी गांव है ये, इंडिया चाइना बॉर्डर से पहले। बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर आगे है ये, तो पास में ये है। 10 मिनट लगता है बद्रीनाथ से यहाँ आने में। यहाँ पर भी गर्म कपड़े वगैरह मिलते हैं आपको, सामान सारा सही है। ये माणा विलेज समुद्र तल से 10,133 फीट की ऊंचाई पर है। अगर बद्रीनाथ आते हैं तो यहाँ आना अच्छा है, आपको एक अलग अनुभव होगा, आपको इंडिया का लास्ट गांव देखने को मिलेगा। नमस्ते नमस्ते। यहाँ पर लिखा हुआ देखो, भीमपुल, सरस्वती धाम, केशव प्रयाग, गणेश गुफा, व्यास गुफा, ये सारे यहाँ के मुख्य आकर्षण है माणा गांव के। उस तरफ से हम आए हैं, लगभग 200-300 मीटर चले हैं और यहाँ पर ये गेट है। तो ये रास्ता गणेश गुफा के लिए जाता है। आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है पुराण एवं महाभारत का लेखन स्थल श्री गणेश गुफा। गणेश जी ने जो महाभारत लिखी थी वो इस जगह पर लिखी थी ऐसा बताया गया है। और ये यहाँ का गेट है गणेश गुफा का। ये है गणेश जी का मंदिर पुराना। बाहर से मैं अंदर आया हूँ, पास में मंदिर है और ये परिक्रमा का मार्ग है। ये जो आप देख रहे हो ये मंदिर है पुराना और ये गुफा ही है पूरी। आप देखो पूरी गुफा है ये। यहाँ पर देखो ये डिटेल लिखा हुआ है पूरा। यहाँ से व्यास द्वारा वर्णित पुराण और महाभारत को श्री गणेश जी ने लिपिबद्ध किया था। तो ये गणेश गुफा मंदिर था, मैंने आपको बताया काफ़ी पौराणिक महत्व का मंदिर है। यहाँ पर व्यास जी ने गणेश जी से महाभारत और वेद लिखवाए थे। तो अभी यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं और इस तरफ आगे बढ़ते हैं। तो वो गणेश गुफा थी, वहाँ से हम इस तरफ होके आए इस रास्ते से और यहाँ से अभी ऊपर जाना है। और यहाँ पर आ गए व्यास गुफा, तो चलते हैं व्यास गुफा के लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है व्यास गुफा, ये रास्ता है। थोड़ा सा चढ़ाई करना पड़ता है, खड़ी चढ़ाई है लेकिन थोड़ी सी है, ज़्यादा नहीं है। 200-300 मीटर के अंतराल में सारी जगह है यहाँ पर। ये जो जगह है ये है व्यास गुफा। और इधर देखो क्या लिखा है, भारत की आखिरी चाय की दुकान, मतलब ये लास्ट शॉप है। इसके आगे फिर मैं सूना एरिया आ जाता है और फिर आगे बॉर्डर है इंडिया चाइना का। तो ये है वो टी शॉप जिसे कहते हैं भारत की आखिरी चाय की दुकान। तो यहाँ पर चाय पी के जाएंगे लेकिन पहले चलते अंदर। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है वेद व्यास गुफा। ये जो पत्थर दिख रहा है आपको पूरा, इसके नीचे पूरी गुफा है। यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर ये गुफा 5,326 साल पुरानी है और यहाँ पर वेद व्यास जी ने इसी गुफा में बैठकर वेद को 4 भागों में विभाजित किया था तथा 17 पुराणों को लिखा। महाभारत को लिखने के लिए श्री गणेश जी का आह्वान किया, इसके बाद भी आत्मसंतुष्टि न होने के कारण अंत में इसी स्थान पर 18वां पुराण श्रीमद भगवत महापुराण की रचना की। तो काफ़ी पवित्र जगह है ये और काफ़ी पौराणिक जगह है। तो अंदर चलते हैं।
काफ़ी सुखद अनुभव था अंदर बैठने का, और 5 मिनट मैंने मेडिटेशन भी किया, तो काफ़ी अच्छी जगह है ये, शांत जगह है एकदम। जब आप अंदर बैठोगे यहाँ पर तो एकदम आपको पॉजिटिव एनर्जी फील होगी। और अंदर व्यास जी की मूर्ति है, पुरानी नई मूर्ति है, उसके अलावा वेदाचार्य जी की मूर्ति है, और भी 2-3 छोटी मोटी मूर्तियाँ हैं। महत्व की जगह है ये, माणा गाँव में ही है ये। नीचे जो मैंने आपको गणेश गुफा दिखाई थी यहाँ से दिखती है, इस तरफ में नीचे है, उससे ठीक 300 मीटर ऊपर आते हैं तब ये जगह आती है व्यास गुफा। और इसके अंदर पंडित जी आपको प्रवचन देते हैं, काफ़ी बढ़िया पूरी स्टोरी बताते हैं। 15 मिनट का आपका टाइम लगेगा, लेकिन काफ़ी अच्छा फील होगा आपको। आप अंदर बैठकर मेडिटेशन भी कर सकते हो। तो पीछे व्यास गुफा थी, और यहाँ पर यह है इंडिया की आखिरी चाय की दुकान। तो सारे लोग यहाँ पर चाय पीने आते हैं। आपकी आखिरी दुकान है भारत की, इंडिया की आखिरी दुकान है, और इंडिया का आखिरी विलेज भी है ये माणा गाँव। तो ये चाय की दुकान है, इस तरफ में ये व्यास गुफा थी। इस तरफ में आगे 25 किलोमीटर बढ़ जाएंगे तो सतोपन ट्रैक है, और काफ़ी बढ़िया ट्रैक है। और इस तरफ में आगे जाएंगे तो इंडिया चाइना का बॉर्डर है, लगभग 50-60 किलोमीटर आगे। तो ये चाय की दुकान है, इसमें चाय पीते हैं। कितने टाइम से आपकी दुकान? ये तो पापा चलाते थे ना, जब पापा टेंथ में थे। अच्छा, बहुत पुरानी है। 40-50 साल हो गए। तो ये इनका फोटो भी है चाय की दुकान का, बहुत पुराना फोटो है। कितना पुराना फोटो है ये? 30 साल पुराना है भैया। 30 साल पुराना फोटो है। तो ये सारे लोग भी आके गए, ये चेतेश्वर पुजारा है, यहाँ पर आए थे इंडिया की लास्ट चाय की दुकान पर। ये इनका नाम क्या, मिलिंद गुण जी ना, टीवी एक्टर थे वो, गुरु माता है, और फिर ये माँ मंडलेश्वर जी है, हाँ। साथ में प्रधानमंत्री, और ये प्रधानमंत्री जी के भाई है पंकज मोदी जी। तो ये सारे लोग यहाँ पर आके गए हैं, तो काफी फेमस दुकान है इनकी। ये जो भीमपुलों में लिखा है, हाँ, वो हमारा नकल करके लिखा है, वो भी 3-3 दुकान। अच्छा, तो कहते हैं कि जो भी चीज़ प्रसिद्ध होती है तो उसकी कॉपी बन जाती है, तो इनकी भी कॉपी बन गई है। ये असली दुकान है, इन्होंने फ़ोटो बताया, 30 साल पुराना फ़ोटो था। बाकी इस नाम से और 2-3 दुकान मिल जाएगी आपको, तो आप यहाँ पर आके जाना, ये रियल दुकान है व्यास गुफा के पास में। और चाय पीते हैं इनकी, और फिर निकलते हैं। आगे सारे आपको पहाड़ दिखेंगे, ये आगे सतोपन जाने का रास्ता है, सतोपन ट्रैक का, और बाकी सारे पहाड़ है ये। और उस तरफ में वहाँ पर आगे बद्रीनाथ है, यहीं से दिखेगा, थोड़ा आगे की तरफ है, लगभग 4 से 4.5 किलोमीटर की दूरी है, ज़्यादा नहीं है। बद्रीनाथ आने के बाद ये एक अलग अनोखा एक्सपीरियंस है। तो बद्रीनाथ जब भी आते हो तो यहाँ पर आके जाना माणा गांव में, काफ़ी अच्छी अच्छी जगह है यहाँ पर। लगभग 2 घंटे लगेंगे आपको, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जो गणेश गुफा है, व्यास गुफा है, तो बहुत सकारात्मक एनर्जी है यहाँ पर। चाय का चार्ज केवल 15 रुपये है, आप ऊपर आते हो तो भी, नीचे भी 15-20 रुपये लग रहे हैं। तो इनका दुकान फेमस है, लोग यहाँ चाय पीने आते हैं, तो भी ऐसा नहीं है कि इन्होंने चाय का रेट 3 गुना कर दिया। ये आपने बहुत अच्छा किया, नॉर्मल नीचे भी 15 रुपये की चाय मिल रही है, आपके यहाँ पे भी 15 रुपये की चाय है। थैंक यू, अच्छा काम कर रहे हो। तो ये चाय की दुकान है, और ये व्यास गुफा है, और ये पूरा यहाँ का नज़ारा है। ऊपर आपको पहाड़ पर बर्फ़ भी दिखेगी सारी। तो व्यास जी की गुफा देख ली, भारत की आखिरी चाय की दुकान पर चाय पी ली, अनोखा अनुभव था ये। और अभी यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ से लगभग 100-150 मीटर पर भीम पुल है, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो भीम पुल। मैंने भी नहीं देखा है वैसे क्या है ये भीम पुल। तो भीम पुल जाते हैं और फिर वहाँ से रिटर्न हो जाएंगे। यहाँ पर ये सारा आपको गर्म सामान मिलेगा, यहाँ के गांव वाले बेचते हैं। कितने का है ऐसा बोलता हूँ? 150 का है ये वाला, ये 120 का है। कितना दूँ इसका? 100 रुपये ले लो, बराबर है? नहीं, ऐसा ले लो 100 रुपये। चलो ठीक है, 120 देता हूँ। ये माँ जी यहाँ पर चाय का मसाला बेचते हैं, और भी क्या, ये क्या है ये? तेजमल सुख शांति के लिए दरवाजा। अच्छा, में रखो गाड़ी, हिमालय की जड़ी बूटियाँ है ये, दरवाजा में रखो गाड़ी में रखो। अच्छा, सुकून वाली, शांति। अच्छा, सुख शांति के लिए। दस दस हाँ, एक दे दो, एक दे दो खाली एक। हाँ,
यहाँ पर ये एक छोटा मंदिर है, गांव वालों के देवता है ऐसा बताते हैं, माणा गांव के, अभी फिलहाल बंद है। नीचे उतरना है यहाँ से, फिर आएगा भीम पुल। नज़ारा देखो कितना बढ़िया है, चारों तरफ पहाड़ है, नीचे नदी है और पहाड़ों पे बर्फ भी है। वैसे भारत की आखिरी चाय की दुकान थी, वहाँ पर चाय पी थी, उसी तरह की एक दो दुकान और भी यहाँ बनी हुई है, तो थोड़ा आप पता कर लेना। मैंने जहाँ तक पता किया वही थी, क्योंकि वो बॉर्डर साइड का पोर्शन था, और यहाँ पर भी एक चाय की दुकान दिख रही है वो सामने वहाँ पर, और ये रास्ता जाता है सतोपंत के लिए, तो ये बॉर्डर वाला रास्ता नहीं है, बॉर्डर वाला रास्ता पुराना था, तो मेरे हिसाब से वही दुकान सही थी। तो वहाँ पर भीमपुल है, और इस जगह पर सरस्वती माता की छोटी सी गुफा है, ये देखो आप, सरस्वती माता की मूर्ति है ये। बड़े से दो पत्थर है और नीचे से नदी आ रही है, और ये जो नदी है वो सरस्वती नदी है। सरस्वती नदी कहीं भी नहीं दिखती है, यहाँ से स्टार्ट होती है और आगे जाके लुप्त हो जाती है, थोड़ा यहाँ से एक दो किलोमीटर आगे जाके अलकनंदा नदी में मिक्स हो जाती है, तो ये सरस्वती नदी है। सरस्वती नदी को देखना काफ़ी मुश्किल है, किस्मत वाले लोग होते हैं वो यहाँ पर आकर देखते हैं, और ये सरस्वती माता का मंदिर है। अंदर वहां से आ रही है ये नदी, देखो आप इस जगह से। तो ऊपर से नजारा दिखाया मैंने आपको, अभी थोड़ा नीचे चलते हैं मंदिर की तरफ। हिंदुस्तान की अंतिम चाय की दुकान, ये ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल वही थी जो मैंने आपको बताया था, ऐसी दो दुकानें यहाँ पर भी है और वहां पर भी है, लेकिन ओरिजिनल वही थी जो मैंने आपको बताई। यहाँ से नीचे देखो क्या नज़ारा है, देखो आप पत्थरों का। तो ये सरस्वती माता का मंदिर है, ये व्यास जी की मूर्ति है, और इस तरफ ये गणेश जी की मूर्ति है, और ये हनुमान जी की मूर्ति है। जय श्री राधे। यहाँ पे माँ सरस्वती माता का जन्मस्थान है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर ये MIT महाराष्ट्र वालों ने इस नए मंदिर का निर्माण किया हुआ है जी। और पहले ये मंदिर छोटा था, नया निर्माण किया हुआ है। यहाँ पर माँ सरस्वती माता की मूर्ति है, ठीक है, उधर विट्ठल जी और रुक्मणी जी हैं, इधर ये दत्तात्रेय भगवान है, इधर हैं संत ज्ञानेश्वर महाराज जी, ठीक है महाराज, उधर हैं जिन्होंने नए मंदिर का निर्माण किया उनकी बहन की मूर्ति है वो, और नीचे जो नदी बह रही है सरस्वती नदी, यहाँ पे, यहाँ पे इसके उद्गम स्थल है, यहाँ पे, यहाँ से निकल के और 200 मीटर आगे जाके लुप्त हो जाती हैं, उसके प्रयागराज इलाहाबाद में दिखती है वो। अच्छा। क्योंकि ब्यास जी का श्राप था उनको, जब ब्यास जी बोले थे और गणेश जी लिख रहे थे महाभारत 18 पुराण, उनके बोले लिखने में थोड़ा यहाँ पे विघ्न हो रहा था, क्योंकि सरस्वती माता का शोर हो रहा था यहाँ पे, इसलिए उन्होंने उसको मतलब कि श्राप दिया सरस्वती माता को कि आपको कुछ पानी पाताल में चले जाएगा, उसका प्रयाग वहाँ दिखता है, इलाहाबाद दिखता है, गंगा यमुना सरस्वती से वहाँ दिखता है वो संत तुकाराम महाराज है। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है सर। तो ये सरस्वती मंदिर था, पंडित जी ने काफ़ी अच्छे से समझाया हमें इसके बारे में, इस जगह का महत्व भी बताया, और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से हम आए ऊपर से इस जगह से ऐसे होते हुए, इस जगह को इसे कहते हैं भीम पुल। ये देखो आप, बड़ा सा चट्टान है, पत्थर है, इसके ऊपर ये पुल बनाया गया है, तो ये नेचुरल पत्थर है पूरा, इसे भीम पुल कहते हैं। और नीचे आप देखोगे तो काफ़ी गहरा है, देखो कितना गहरा है ये इस जगह में, और ये सरस्वती माता है, सरस्वती नदी है, वहाँ से सामने से आती है जो मैंने आपको ऊपर से बताया था। वो वहाँ पर इंद्रधनुष बन रहा है, दिख रहा है मुझे, आपको दिख रहा हो तो देखो आप। तो ये सरस्वती माता का मंदिर हमने देखा, और ये भीम पुल जिसमें मैं चल रहा हूँ वो भी मैंने आपको नीचे से बताया, तो काफ़ी बढ़िया जगह लगी मुझे ये। बद्रीनाथ आते हो तो यहाँ पर आके जाना, बहुत अच्छी जगह है माणा गाँव। माणा गाँव में आपको 2 से 2.5 घंटे लगेंगे घूमने में, लेकिन मज़ा काफ़ी आएगा।
तो ये था माणा गांव, और माणा गांव में मैंने आपको दिखाया गणेश गुफा, व्यास गुफा, भारत की आखिरी चाय की दुकान, सरस्वती मंदिर और भीम पुल। तो काफ़ी अच्छी जगह है बद्रीनाथ। जब भी आते हो तो आप माणा गांव आओ, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पर, और अच्छा फील होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, तमारो खूब खूब आभार। आप जो